हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स आर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस डिस्कशन में 16 और 17 सितंबर दोनों की जो न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल है, जो पहली न्यूज आई है, वो आई है बेसिकली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। तो कंटेक्स्ट कुछ देखो इस प्रकार है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था मातृ वंदना योजना के तहत, जिसका नाम था मातृ वंदना शपथ। तो मातृ वंदना शपथ जो एक प्रोग्राम था, इसकी भी एनिवर्सरी थी, तो उस मौके पे बेसिकली न्यूज है वो आई है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस है वो करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मातृत्व वंदना योजना है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट है वो की गई थी। और एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कौन सी जो योजना थी जिसको एक्चुअली रिप्लेस वगैरह किया गया था, तो वो भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो बेसिकली 2010 में एक स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट, जिसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसी योजना को बेसिकली गवर्नमेंट ने चेंज किया और 2014 में उसका नाम चेंज कर दिया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। कुछ इसमें चेंजेस वगैरह भी हुए थे। इसका देखो मेन जो काम है इस स्कीम का वो ये है कि मेटरनरी बेनिफिट योजना, मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनको बेनिफिट या उनको सहयोग है वो प्रोवाइड करवाने के लिए, चाहे कोई महिला बच्चों को दूध पिलाती है तो उन सब वो बेनिफिट प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली स्कीम है वो लॉन्च है वो की गई थी। अब थोड़े से स्कीम के हम कंपोनेंट देखते हैं। देखो बेसिकली जो मातृत्व वंदना योजना है वो एक कैश ट्रांसफर स्कीम है। अब इसमें होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट है वो 6,000 रुपये देती है, या तो प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर लैक्टिक मदर्स, मतलब कि जो बच्चे को दूध पिला रही हो वो माताएं, उनको बेसिकली गवर्नमेंट 6,000 रुपये प्रोवाइड करवाती है। 3 किस्तों में बेसिकली पैसे दिए जाते हैं, 2,000 के फॉर्म में। पहले तो जब बच्चे का चेकअप होता है प्रेगनेंसी के उस दौरान, उसके बाद दोबारा चेकअप पे, इस तरह की अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो वो तो हमें इतना डीपली नहीं देखना कि कौन से कब का पैसा दिया जा रहा है, बट हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कैश ट्रांसफर स्कीम है, इतना इतना पैसा इसमें दिया जाता है। तो अभी देखो बात ऐसी है कि इसके अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जैसे कि देखो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब ये हो गया कि वो सेक्टर जो गवर्नमेंट के तरीके से रजिस्टर नहीं है। जैसे देखो आपकी कोई भी पर्सन हो, अगर गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो तो उसको बेनिफिट वगैरह मिल जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। बट आप ये सोच के देखिए कि जैसे कोई बाहर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा हो, मतलब अपने घर पे किसी ने छोटा सा बिजनेस लगा रखा हो, या फिर कोई इसी तरीके की झाड़ू वगैरह का लगाने का, झाड़ू वगैरह बनाने का बिजनेस है, तो इनमें जो वुमेन होती है इनको बेनिफिट कहाँ से मिले। तो देखो जब भी वो ऑब्वियसली अगर प्रेगनेंट है तो वो काम नहीं कर पाएंगी, और जब बच्चे की डिलीवरी है हुई है तो उस दौरान भी वो काम नहीं कर पाती है, तो उनको जो मुआवजा है वो दिया जाता है कि भाई चाइल्ड की बर्थ हुई है और जो चाइल्ड की केयर है इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है कि आपका कोई बात नहीं, आप काम नहीं कर पाए तो हम आपको थोड़ा पैसा दे रहे हैं। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमने काफी बार डिस्कस भी किया है, तो एक बार देखते हैं डिफरेंस क्या है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। बेसिकली ये होता है इसमें कि नॉर्मल जो स्टेट होते हैं उनमें 60% जो पैसा है वो तो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 40% पैसा दिया जाता है स्टेट के द्वारा। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जैसे जो डिफिकल्ट टेरेन वाले होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह हुए, इनके अंदर गवर्नमेंट 90% पैसा देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। और जो यूनियन टेरेटरीज होती है वहाँ पे 100% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब यह है कि सारा का सारा पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है वो एक कैश ट्रांसफर स्कीम है, जिसमें जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसको मुआवजा दिया जाता है क्योंकि वो काम नहीं कर पाती है इसलिए। तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पर्यटन पर्व को लेके। देखो अभी टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने पर्यटन पर्व का 2nd एडिशन है वो स्टार्ट किया है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि पर्यटन पर्व है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री का है, क्या इसमें बेसिकली काम वगैरह होते हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री और जो अदर मिनिस्ट्रीज है वो बेसिक्स में कोलैबोरेट करती हैं, बट जो मेन प्रोग्राम है वो है टूरिज्म मंत्रालय का या पर्यटन मंत्रालय का, बेसिकली इसमें मेन रोल है वो होता है। देखो हमारे देश के अंदर टूरिज्म है, इसके बेनिफिट को प्रमोट करने के लिए, देखो टूरिज्म से बहुत से बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको जैसे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एक तो हमारे देश की डाइवर्सिटी है उसके बारे में लोगों को पता चलता है, लोग एक दूसरे के मतलब स्टेट या एक दूसरे के कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मानो कि कोई दिल्ली का पर्सन है वो तमिलनाडु में जाके वहाँ पे टूरिज्म के तरीके से जा रहा है, तो वो तमिलनाडु के कल्चर के बारे में जानेगा, वहाँ अपनी आइडेंटिटी बताएगा, मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो फॉरेन से टूरिस्ट आते हैं वो बेसिकली इंडिया के लिए रिवेन्यू का काम भी करते हैं, क्योंकि इंडिया को उससे फॉरेक्स रिवेन्यू वो मिलता है,
तो इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसके साथ ही सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है कि हाँ यार वो कंट्री है वहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा है। जैसे कुछ आइलैंड कंट्रीज है, फिजी हुई, मालदीव हुई, यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा है क्योंकि उन कंट्रीज की जो मैक्सिमम इनकम है, ईयरली जो इनकम होती है उन कंट्रीज की, वो बेसिकली टूरिज्म से ही आती है। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल है वो निभाता है, डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में लोग आपस में जानते हैं, इसके अलावा और नई चीजों के बारे में लोगों को देखने को पता चलता है। तो बेसिकली जो पर्यटन पर्व है ना, इसके तीन एडिशन है, मतलब आप बोल सकते हो कि तीन इसके मेन भाग है, तीन पिलर है। एक तो यह है कि देखो अपना देश, पहला पिलर, देखो अपने देश में क्या होता है इस पिलर में, कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे देश के अंदर ही टूरिज्म को प्रमोट करती है। मतलब हमारे देश के लोगों को बोल रही है कि भाई आप अपने देश को देखो, आप अपने देश में टूरिज्म को बढ़ाओ, आप एक दूसरे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करो, जिससे काफी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेंगे, हम एक दूसरे कल्चर को भी जानेंगे। एक है टूरिज्म फॉर आर, दूसरा पिलर। टूरिज्म फॉर आर का मतलब है कि सभी लोगों के लिए टूरिज्म है, कोई भी टूरिस्ट के नजरिए से कहीं भी जा सकता है, तो हो गया टूरिज्म फॉर आर। इसके साथ तीसरा पिलर है, वो है टूरिज्म एंड गवर्नेंस। देखो टूरिज्म एंड गवर्नेंस का मतलब यह है कि जो टूरिस्ट एजेंसी है या फिर जो टूरिज्म को प्रमोट करने वाली बॉडी होती है, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, उनमें कोलेब्रेशन वगैरह हो, ताकि वो नई चीजों के बारे में जाने, नए अच्छे अच्छे आकर्षक ऑफर्स हो, जिसकी वजह से टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके। तो ये इसके बेसिकली तीन पिलर है, ये भी हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है चिल्लर स्टार्ट लेबलिंग प्रोग्राम के बारे में। देखो चिल्लर स्टार्ट लेबलिंग जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी लॉन्च है। वो क्या कहता है, इस प्रोग्राम का मेन मोटो क्या है वो देखते हैं। इस प्रोग्राम का मेन मोटो ये है कि जो स्टार रेटिंग है आइटम्स को वो दी जाएगी। देखो जब भी हम जैसे हम एसी वगैरह खरीदते हैं, एयर कंडीशन वगैरह, तो उसके अंदर स्टार रेटिंग आती है, एक स्टार है, दो स्टार है, इस तरह से तीन स्टार रेटिंग आती है। उसका मतलब क्या होता है, जितने ज्यादा स्टार होंगे उसका मतलब वो लाइट उतनी ही ज्यादा कम कंज्यूम है वो कर रही है, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, मतलब कम लाइट में अच्छा बेनिफिट वो प्रोवाइड वो करवा रही है। तो बेसिकली इस रेटिंग एजेंसी या इस रेटिंग को प्रमोट करने के लिए चिलर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। देखो जो बड़े बड़े फर्म्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एसी वगैरह लगे हुए हैं, वेंटिलेशन वगैरह लगे होते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, तो इनको चिल करना बहुत जरूरी है। चिल का मतलब इनको ठंडे करने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफी सारे एक तरीके से आप बोल सकते हो काम है वो किए जाते हैं। तो जो भी जैसे एयर कंडीशन वगैरह हो गया या फिर वेंटिलेशन हो गया या फिर हीटिंग जैसे एलिमेंट हो गए, इनके अंदर चिलिंग है या बोल सकते हो कि इनको ठंडा करने के लिए जो स्टार रेटिंग है वो दी जाएगी इस चिलिंग स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के तहत। मतलब चिल करने की जो स्टार लेबलिंग है वो यहाँ पे की जा रही है, बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा बेसिकली काम है वो स्टार्ट किया गया है। अब देखो बात ऐसी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर भी एक बॉडी आती है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी, बीईई। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी है, इसको बेसिकली 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत बनाया गया था, पावर मिनिस्ट्री का एक आप बोल सकते हो कि प्रोग्राम है। ये जो बीई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसका मेन काम ही होता है कि जो भी स्टार वगैरह रेटिंग वगैरह देंगी इसके स्टैंडर्ड्स तैयार करना, लेबलिंग तैयार करना उनकी, और एनर्जी कंजर्वेशन फंड है वो भी बनाया जाता है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एनर्जी कंजर्वेशन के जो भी स्टेप उठाती है उसमें इस फंड का यूज है वो बेसिकली किया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चिल्लर स्टार लेबलिंग जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, काफी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। इसको 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत बनाया गया था। काम क्या है इसका, स्टैंडर्ड्स वगैरह तैयार करना, इसके साथ गाइडलाइंस वगैरह जारी करती है और एनर्जी कंजर्वेशन को फोकस है वो करती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। देखो जयपुर से लगभग, जो जयपुर की कैपिटल है वहां से, राजस्थान की कैपिटल बोल सकते हो, वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर और नेशनल हाईवे 8 है जो कि जयपुर से दिल्ली को कनेक्ट करता है, उस पर बेसिकली नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का बनाया गया है। एक फैक्ट तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान का है पहला लोयन पार्क है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लोयन सफारी है वो स्टार्ट की जा रही है, या फैक्ट यहाँ पे नोट कर सकते हो कि लोयन पार्क इसको बनाया जा रहा है। देखो आपको एक चीज में कंफ्यूज में नहीं होना है, लोयन और टाइगर में बहुत डिफरेंस है। एग्जाम में इस बार क्वेश्चंस भी आया था, काफी बच्चों ने गलत कर दिया था, तो वो हमें ध्यान में रखना है क्योंकि राजस्थान में टाइगर सफारी तो बहुत सारी है बट लोयन सफारी नहीं है। तो राजस्थान की पहली लोयन सफारी है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बनेगी है जो कि नेशनल हाईवे 8 के ऊपर है, क्योंकि जयपुर से निकलते ही जब दिल्ली की तरफ आते हैं तो वहां पे नाहरगढ़ आता है और वहीं पे बेसिकली इसको बनाया गया है। इसमें जो लोयन लाए जाएंगे, जो शेर लाए जाएंगे, वो जाएंगे गुजरात के जो जूनागढ़ वाला एरिया है वहां से बेसिकली इसमें लोयन को लाया जाएगा और लोयन की ब्रीडिंग करवाई जाएगी और टूरिज्म को बढ़ावा है वो दिया जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें ध्यान में रखने। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है आइस सेट 2 मिशन के बारे में।
देखो आईसैट 2 जो मिशन है वो बेसिकली नासा का एक मिशन है जिससे नासा भी प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए। इस मिशन का मेन काम ये है कि जो आइस से आप देखो यहाँ अलग अलग इसको डिवाइड करो, आइस का मतलब बर्फ और सैट 2 मतलब बर्फ को बेसिकली मॉनिटर है वो करेगा। तो जो ग्रीनलैंड और जो अंटार्कटिका में जो बर्फ में चेंजेस आ रहे हैं या बर्फ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उन सब की स्टडी करने के लिए आईसैट 2 मिशन है वो नासा के द्वारा लॉन्च वो किया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो ये आर्टिकल आया है वो है डीजी यात्रा के बारे में। तो वो पहला फैक्ट तो इसका ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री का है। तो डीजी यात्रा जो प्रोग्राम है स्कीम है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा मतलब उड्डयन मंत्रालय के द्वारा बेसिकली स्कीम को लॉन्च है वो किया गया है। इस स्कीम का मेन मोटो यह है कि देखो एयरपोर्ट के अंदर जब भी हम जाते हैं तो वहां पे जो सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होती है या फिर जो बोर्डिंग पास वगैरह होते हैं वो सारे काम डिजिटल तरीके से हो सके, और जो एयरपोर्ट की एंट्री है या वेरिफिकेशन का काम है उनको डिजिटल करने के लिए बेसिकली डीजी यात्रा प्रोग्राम है वो स्टार्ट है वो किया गया है। इसके बेसिकली 4 पिलर है, 4 कंपोनेंट आप बोल सकते हो। पहला तो यह है कि कनेक्टेड पैसेंजर्स मतलब पैसेंजर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखना ताकि जल्द से जल्द उनको इजीली एक्सेस है वो मिल सके और वो जल्दी से अपनी फ्लाइट वगैरह वो मतलब एक तरीके से पकड़ सके, ऐसा नहीं कि काफी डिले वगैरह हो जाए उनको प्रॉपर पता ही ना हो। दूसरा यह है कि जो एयरपोर्ट है उनको कनेक्ट करेगी। देखो कई बार क्या होता है जैसे किसी भी इंसान को मान लो कि दिल्ली से जाना है अंडमान जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, क्या होता है जैसे मान लो कि दिल्ली से हैदराबाद है फिर हैदराबाद से अंडमान है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिल्ली से कोलकाता है फिर कोलकाता से मतलब अंडमान है। तो जो कनेक्ट फ्लाइट है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंसान पहले तो कोलकाता पहुंच जाए फिर पता चले वहां पे 7-8 घंटे वेट करना पड़ा फिर फ्लाइट मिल जाए, मतलब फ्लाइट है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, वहां इंसान पहुंचे तो वहां वो फ्लाइट मिले फिर डायरेक्टली इंसान वहां पे इजिली एक्सेस मिल जाए। तो ये तो हो गया कनेक्टेड फ्लाइट वगैरह होगी। एयरपोर्ट को कनेक्ट करके रखे जाएंगे ताकि एयरपोर्ट्स कनेक्टेड से अपने आप हो जाएंगे। इसके साथ ही जो कनेक्टेड फ्लाइंग्स मतलब जो फ्लाइट वगैरह है उनको जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आ गया, और जो सिस्टम्स है उनको भी आपस में कनेक्टेड रखा जाएगा ताकि इन्फॉर्मेशन है उसका इजीली एक्सचेंज वगैरह हो सके। तो ये कुछ स्कीम के कुछ कंपोनेंट थे जिसे हमने डिस्कस किया। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में डिस्कस किया जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक स्कीम है जिसमें कैश ट्रांसफर वो किया जाता है वुमेन्स को, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो इसी के साथ ही जो बच्चों को दूध वगैरह पिला रही है उन माताओं को बेसिकली इसमें 6,000 रुपये अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं। इसके साथ ही हमने पर्यटन पर्व के बारे में जाना जो कि टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, इसके 3 कंपोनेंट है देखो अपना देश, टूरिज्म फॉर ऑल और टूरिज्म एंड गवर्नेंस। इसके साथ ही हमने चिलिंग स्टार्ट लेबलिंग प्रोग्राम के बारे में जाना जो कि पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का एक प्रोग्राम है। इसके साथ ही हमने देखा कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जयपुर में, वहां पे पहला जयपुर राजस्थान का लोयन सफारी है वो स्टार्ट की जा रही है। इसके साथ ही हमने देखा कि आईसैट 2 मिशन है वो नासा का एक मिशन है जो कि बर्फ के चेंजेस वगैरह की स्टडी है वो करेगा। इसके साथ ही हमने डीजी यात्रा के बारे में जाना। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।